दोस्तों आज आपको एक ऐसी हर्ब का नाम बताऊंगा, ऐसा एक फ्लावर का नाम बताऊंगा जो बहुत ज़बरदस्त काम करती है। नेचर से पाया जाता है ये प्लांट और इसका नाम है चिरचिता। इसको संस्कृत में अपामर्ग भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं एचेरेंथस एस्पेरा। ये बहुत कॉमन वीड है और इसकी वीड से बहुत सारे फ़ायदे होती हैं। एक एक करके आपको सारे फ़ायदे गुनाऊँगा और वो सारा आप लास्ट तक सुनते रहिएगा। दोस्तों चिरचिता करके प्लांट होती है, इसका फ्लावर होता है, इसका लीव्स होता है, दोनों काम के होते हैं और इनको आप बहुत अच्छे से साफ करके इसको बहुत सारे काम में ले सकते हैं। पहला काम, ईयर और आई इन्फेक्शन में काफ़ी काम करता है। इसको धो के, इसको आप अगर सुसुम पानी में, बॉयल पानी में डाल के, उसको ठंडा करके उसमें डाल के कान में डालिएगा, आँख में डालिएगा, तो इन्फेक्शन में काफ़ी मदद करता है और पुराने ज़माने में लोग इसको बहुत इस्तेमाल करते थे। मुँह में अल्सर हो तो ये चिरचिता बहुत काम का चीज करता है। सो अपामर्ग भी बोलते हैं। फ्रेश लीव्स आप लीजिए और इसको मुंह में डालिए और इससे माउथ अल्सर्स क्योर होते हैं। अच्छा, माइग्रेन में भी काफ़ी काम करता है। माइग्रेन कब काम करता है, इसको आपको स्मेल करना पड़ता है, उससे सर दर्द काफ़ी कम हो जाती है। कमर की दर्द में भी काफ़ी मदद करता है। इसका प्लांट और इसका जो लीव्स है और इसका जो फ्लावर है, इसका पेस्ट बना के आप इसको ऑयल में लेके मालिश करेंगे तो इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। अच्छा, बॉयल्ड वुंड्स, एक्जिमा, जितने भी स्किन के इन्फेक्शन है उसमें भी ये चिरचिता काफ़ी काम करता है। इसका भी लेप बना के आप उस जगह में लगाएंगे तो आपके एक्नी में फ़ायदा होता है, आपके जितने भी बॉयल्स और एक्जिमा इसमें बहुत फ़ायदा होता है। आप अगर बहुत कोई छोटे गांव में जाएंगे, जो पुराने लोग हैं वो इसका काफ़ी इस्तेमाल करते थे, कभी कोई इंसेक्ट बाइट हो जाए, एलर्जी हो जाए, उसमें भी ये लोकली काम करता है। अच्छा, ब्लीडिंग होती है अगर कोई को पाइल्स में, तो उसको भी पाउडर इसका बना के उसको तेल के संग लोकली अप्लाई किया जाता है, उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। कफ एंड कोल्ड में भी चिरचिता का पानी पिया जाता है। इसको पानी में डाल के इसको बॉयल करिए और इसको पीजिए तो इसमें कफ एंड कोल्ड में भी फायदा होता है। बुखार में भी ये चिरचिता काफ़ी काम करता है। इसके लीव्स को लेके आप अपना चबा के खा सकते हैं और इसको या तो पानी में बॉयल करके पानी के संग पी सकते हैं। अच्छा, लूज मोशन डायरिया में भी ये काम करता है, डिसेंट्री में काम करता है चिरचिता। और पेट में अगर दर्द हो तो भी चिरचिता का पानी पिया जा सकता है। तो दोस्तों ये चिरचिता आप अगर नाम ना सुने हो तो इसको गूगल कीजिए। इसका नाम है एचेरेंथस एस्पेरा और ये प्लांट बहुत सारे जगह झाड़ी के तरह होता है, एकदम बहुत फैला हुआ होता है। और इसको आप फोटो आप देख लिए, इसको ढूंढिए और इसको ज़रूर इस्तेमाल में लीजिए अगर आप नेचर की तरफ से क्योर होना चाहते हैं छोटे मोटे बीमारी से। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है, आपको मालूम है मैं नेचुरल वे में ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ बॉडी को काटा जाए, और हार्ट की बीमारी में बिना ऑपरेशन के हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी। मैं बोलता हूँ जब तक हो सके आप सर्जरी को अवॉइड कीजिए, और बिना सर्जरी के अगर आप ठीक हो सकते हैं इससे बढ़िया क्या। आप हमारे वेबसाइट में जाइए, अगर मेरे से कंसल्ट करना हार्ट के लिए तो आप ज़रूर हमारे वेबसाइट से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आजकल देहरादून में रहता हूँ, मेरे को पर्सनली मिलना हो तो देहरादून आके आपको मिलना पड़ेगा हमारे रिसॉर्ट में। थैंक यू सो मच।